हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी जूनियर इंजीनियर सीबीटी 1 का एग्जाम स्ट्रेटजी, कैसे प्रिपरेशन लेना है, कहां से पढ़ना है, कौन सा बुक सही है और आपको कितना टारगेट लगा लेना है, सारे चीज लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरआरबी जेई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें इस बार नया शेड्यूल आया है और उसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एग्जाम होने वाला है, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था। और इसमें जो मेरिट बनेगा पूरा का पूरा वेटेज रखेगा सीबीटी 2 में, और सीबीटी 1 ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई तो करना है, साथ साथ आपको मेरिट में भी रहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम स्कीम क्या क्या है। देखिए, टोटल जो एग्जाम होगा वो होगा 100 मार्क्स का, और उसमें जो टाइम रहेगा वो रहेगा 90 मिनट्स, यानी डेढ़ घंटे। ठीक है, तो 100 मार्क्स एग्जाम है और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 3:1 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं सिलेबस टोटल। तो यहाँ पे देखिए, सिलेबस में पहले हो जाएगा 100 मार्क में मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, उसके बाद जो है जीआई एंड रीजनिंग पोर्शन, जीआई रीजनिंग है 25 मार्क्स, उसके बाद है जनरल साइंस, जनरल साइंस है 30 मार्क्स, उसके बाद जो लास्ट में आ रहा है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में कितना है 15 मार्क है। तो टोटल मिला के हो रहा है 30-30 कितना हो रहा है 60-60-25-85-15-100, टोटल 100 मार्क्स हो रहा है। तो इसमें आपको कितना टारगेट लगा लेना है। देखिए, जो लोग असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्जाम दिए हो सीबीटी 1 सीबीटी 2, वो लोग के लिए बता देता हूँ कि प्रिपरेशन वो लोग का मैथ जीआर रीजनिंग में लगभग लगभग कंप्लीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक साल से आप पढ़ रहे हो तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए आपका टारगेट भी लंबा लगा लेना है। और ये काफी स्कोरिंग पेपर है मैथ जीआर रीजनिंग, 30-25-55 मार्क्स जो है बहुत ही स्कोरिंग मार्क है, तो इसलिए इसको टारगेट भी उसी हिसाब से लगा लेना है। तो यहाँ पे टारगेट मतलब आपको 60 रॉ मार्क्स लाना है। ठीक है, टारगेट कितना रखना है आपको, रॉ मार्क्स जो है 60 रखना है, रॉ मार्क मतलब 100 में से आपको 60 निकाल लेना है किसी भी तरीके से। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 60 आपका 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, 60 से कम नहीं होगा, तो मिनिमम 65 तो होगा। ठीक है, तो रॉ मार्क्स आपको 60 मान के चलना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा आपको आपको भी नहीं पता है। ठीक है, तो 60 आपको रॉ मार्क्स लाना है, मतलब आपको जो है अटेम्प्ट करना है आपको 70 मार्क्स कम से कम, और एक्यूरेसी भी रखना है 90%। तो 90% एक्यूरेसी रखोगे और अटेम्प्ट करोगे 70, तो ये गुण होकर आ गया 9×7=63 आएगा। ठीक है, 63 आएगा, तो आपको अटेम्प्ट करना 70 और एक्यूरेसी जो रखना है 90% रखना है, मतलब 100 में से आपका 90 क्वेश्चन जो आंसर जो है सही होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी रखना है। तो अब बात करते हैं मेन चीजों पे, जो कहां से पढ़ना है। ठीक है, तो जो लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई किए हो, सीबीटी 2 का प्रिपरेशन लेके सीबीटी 2 का एग्जाम भी दे चुके हो, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए बता रहा हूं, तो वो लोग का मैं बता रहा हूं लगभग लगभग मैथ और जीआई रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में जहां से पढ़े थे, एएलपी टेक्नीशियन प्रिपरेशन के लिए जहां से आप लोग पढ़े थे वहीं से पढ़िए। इसमें क्या है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स लगा के प्रैक्टिस करना है। तो जो लोग असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन एग्जाम नहीं दिए हो, पहले जूनियर इंजीनियर एग्जाम देने जा रहे हो, वो लोग भले बता देता हूं कि देखिए, मैथ और जीआर रीजनिंग का शॉर्टकट ट्रिक्स का अच्छा सा बुक मार्केट में नहीं है, और है तो सारे चीज उसमें शॉर्टकट में नहीं मिलेगा, इसीलिए सबसे अच्छा होगा आप YouTube फॉलो कीजिए। YouTube में बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक्स देके वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, मेरे चैनल में कुछ मिल जाएगा और दूसरा चैनल में आप देख लीजिए शॉर्टकट ट्रिक्स है, और शॉर्टकट ट्रिक्स लगा के आप बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रैक्टिस बुक ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो खरीद लीजिए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए, तो मैथ और रीजनिंग आपका बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, तो वहां पे आपका आ जाएगा मार्क्स। मैथ में 30 से आपको 25 तो टारगेट लगा लेना है, और जीआर रीजनिंग 25 में से आपको 20 टारगेट लगा लेना है। ठीक है, तो दोनों मिलके आपको 45 में से 55
कैसे भी मतलब निकाल देना है, ये सबसे ज्यादा है, ये स्कोरिंग पेपर है, ये आपको क्वालिफाई करवा देगा, ये आपको जॉब ला देगा, जीआई रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स जो है। अगर कोई बुक से प्रैक्टिस करना चाहता है या बुक से प्रिपरेशन लेना चाहते हो तो दिशा पब्लिकेशन का बुक बहुत ही अच्छा है, दिशा पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हो, ठीक है। दिशा पब्लिकेशन ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो दिशा पब्लिकेशन का बुक, तो वो सबसे सही है। सबसे सही होगा आप खुद अगर यूट्यूब देख के या तो किसी वेबसाइट से शॉर्टकट ट्रिक्स लगा के प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके लिए सही रहेगा। आपका अगर सब सीखा हुआ है, ओनली प्रैक्टिस करना है, तो दिशा पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हो। और दिशा पब्लिकेशन में भी कुछ कुछ है जो शॉर्ट ट्रिक्स लगाया हुआ है, सारे शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है, मैं देखा हूं। तो ये गया आपका मैथ जीआई रीजनिंग पोर्शन। नेक्स्ट आ रहा है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स में क्या क्या है देखिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और लाइफ साइंस है। और ये जो है सीबीएसई बोर्ड 10th लेवल का है, ठीक है, सीबीएसई 10th लेवल, 10th लेवल का है, ठीक है। तो 10th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास अगर लुसेंटा जनरल साइंस बुक है, जनरल साइंस, लुसेंट जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस तीनों का तीनों मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके पास अगर लुसेंट का बुक नहीं है जनरल साइंस का, तो आप एक खरीद लीजिए जनरल साइंस के लिए, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स में से फिजिक्स से 10 मार्क्स आएगा, केमिस्ट्री 10 मार्क्स आएगा और लाइफ साइंस से भी 10 मार्क्स आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स तो जो लोग एएलपी टेक्निशियन का एग्जाम दिया था, तो फिजिक्स लगभग उन लोग कंप्लीट हो चुका है, अभी केमिस्ट्री और लाइफ साइंस पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से लुसेंट का बुक सबसे अच्छा है, आर्यन का बुक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सेकंड चॉइस है आर्यन। अगर किसी के पास लुसेंट नहीं है और आर्यन प्रेफर करते हो तो आर्यन भी फॉलो कर सकते हो, आर्यन का बुक भी उतना खराब नहीं है, लेकिन लुसेंट के बाद ही सेकंड चॉइस में आता है आर्यन। तो ये गया जनरल साइंस। नेक्स्ट आता है लास्ट जो है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर दो पार्ट आता है, जो होता है स्टॉक जीके और नेक्स्ट आ रहा है करंट अफेयर्स। स्टॉक जीके के लिए देखिए, स्टॉक जीके के लिए आप पहले प्रेफर कीजिए आर्यन, आर्यन पब्लिकेशन का बुक आता है जो है वो स्टॉक जीके सबसे बढ़िया है। और आपके पास अगर लुसेंट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले से लुसेंट पढ़ रहे हो, तो लुसेंट भी ये सेकंड चॉइस रहेगा। लुसेंट, लुसेंट का जनरल नॉलेज का बुक आता है, अलग आता है, और जनरल साइंस का बुक अलग आता है, ठीक है। तो जो ओनली जनरल नॉलेज का बुक है वहां से आप स्टॉक जीके पढ़िए, और जो ओनली जनरल साइंस के लिए जो बुक आता है तो वो वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़िए, ठीक है। तो ये होगा आपका स्टॉक जीके। और करंट अफेयर्स के लिए मैं बता देता हूँ, करंट अफेयर्स अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स जब एग्जाम होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, या तो एग्जाम डेट फिक्स्ड हो जाएगा, तब आप पढ़ लीजिएगा उससे पहले का 3 महीने का, ठीक है। पहले 3 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिएगा। और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, कोई बुक फॉलो नहीं करना है, कोई भी वेबसाइट से पढ़िए, या तो क्या करना है आपका यूट्यूब में बहुत सारा चैनल है, कोई भी वेबसाइट या तो न्यूज़पेपर या तो कोई मैगजीन खरीद सकते हो उस टाइम पे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। कोई अभी से करंट अफेयर्स के लिए कोई बुक फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि अभी का करंट अफेयर्स एग्जाम में नहीं आएगा। करंट अफेयर्स मतलब करंट का जो नॉलेज है वहां से ही आएगा, ठीक है। तो और बजट इस बार जो हो रहा है, फरवरी 1 में जो बजट आया है, इकोनॉमिकल बजट, तो वहां से बहुत सारा क्वेश्चन आने का उम्मीद है। तो बजट आप अच्छे से अभी से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि बजट से बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये होगा करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे तो मैं बता दिया था, देखिए मैथ में 25 लाना ही है, जीआई रीजनिंग में 20 लाना ही है, और जनरल साइंस में 30 है। 30 में से आपको किसी भी तरीके से 15 से 20 मार्क लाना है, ठीक है। कम से कम 20 मार्क आपको लाना है, अगर 20 नहीं बनना है तो 15 लाना है आपको। अगर यहाँ पे 5 गैप हो रहा है, 5 यहाँ से उठाना है आपको, मैथ रीजनिंग में उठाना है। तो 20 मार्क यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, और जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ से सबसे कम मार्क्स आता है, 15 मार्क्स है टोटल रखा गया है यहाँ पे। 15 में से स्टॉक जीके हो गया 7 और करंट अफेयर्स 8, ऐसा भी हो सकता है, या तो 10-5 भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ से दे सकता है। तो अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे करंट अफेयर्स देने का जो उम्मीद है ज्यादा है, तो यहाँ से आप 15 में से आप 6 से 7 मार्क, ठीक है, 6 से 7 मार्क्स आप निकाल लीजिए। 6 से 7 मार्क निकालना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी 6 से 7 मार्क कम से कम हम निकाल लीजिए। यहाँ से 6 से 7 मार्क्स, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25,
तो यहाँ पे कुल मिला के आपका जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे मान लीजिए कि 70 के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो 70 के आसपास आपको अटेम्प्ट करना है, उसी हिसाब से 90% एक्यूरेसी रहेगा तो आपको 60-63 के आसपास मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप प्रिपरेशन कीजिए, और जो टाइम है बहुत ही कम है, आप CBT 1 के लिए प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि CBT 1 आपको क्वालिफाई नेचर है, लेकिन क्वालिफाई आपको करना है तब जाके CBT 2। और जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, ए कैटेगरी के स्टूडेंट हो, कौन कौन ए कैटेगरी स्टूडेंट हो तो वो खुद को पता है कौन है, क्योंकि जो असिस्टेंट लोकल टेक्नीशियन CBT 1 रिजल्ट में जो लोग का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, ठीक है, तो वो लोगों को मैं बता रहा हूँ कि A1 कैटेगरी स्टूडेंट है, तो वो लोग को बता रहा हूँ आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है कि CBT 1 आप ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे अगर, तो आप आज से CBT 2 का प्रिपरेशन कर सकते हो। CBT 2 का प्रिपरेशन करने में और एक फायदा भी है, SSC जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो गया है, उसका प्रिपरेशन करने के लिए जो टेक्निकल पोर्शन है और CBT 2 का जो टेक्निकल पोर्शन है, रेलवे CBT 2 और SSC जूनियर इंजीनियर Step 1 का जो एग्जाम है, दोनों में बहुत ही कॉमन है, जो टेक्निकल पेपर है बहुत ही कॉमन है, इसमें भी 100 मार्क्स आने वाला है, SSC जूनियर इंजीनियर में 100 मार्क्स आने वाला है। तो यहाँ पे आज से आप CBT 2 का प्रिपरेशन करेंगे तो आपका SSC जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन भी साथ साथ हो जाएगा। और जो लोग मेरा नोट्स लिए हो SSC जूनियर इंजीनियर के इलेक्ट्रिकल के लिए जो नोट्स लिए हो, तो वो नोट्स को आप RRB JEE के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नोट उसी तरीके से बनाया गया है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप उसको लगा सकते हो। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं RRB JEE रिगार्डिंग, जो टोटल ऑल इंडिया में टोटल जो वैकेंसी है 12844, ठीक है, जूनियर इंजीनियर का मैं बता रहा हूं खासतौर पे, तो इतना टोटल वैकेंसी है। तो एप्लीकेशन जो आया है टोटल ऑल इंडिया में लगभग 30 लाख, ठीक है, टोटल जो एप्लीकेशन है लगभग 30 लाख। तो 30 लाख देख के घबराने का कोई बात नहीं है, जो लोग आपका असिस्टेंट को टेक्नीशियन एग्जाम दिया था वही लोग फिर घूम के आ रहे हैं जूनियर इंजीनियर में, कुछ स्टूडेंट जो है एड हो रहा है, और कुछ स्टूडेंट जो है जैसे ओनली जो ITI वाला था, ओनली PCM वाला था, वो भाग गया है, और कुछ नया स्टूडेंट बीटेक वाला या डिप्लोमा वाला ऐड हुआ है, तो वो होके होगा 30 लाख। तो 30 लाख में से सब लोग एग्जाम नहीं देगा, 20 लाख के आसपास एग्जाम देगा, तो 20 लाख के आसपास एग्जाम देगा, तो वहां से आपको CBT 1 में जो लोग क्वालिफाई होगा ओनली 2 लाख, ठीक है, तो 2 लाख के अंदर आपको रहना, क्योंकि 12,844 को 15 से गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 2 लाख, और फिर 2 लाख CBT 2 एग्जाम देगा, CBT 2 एग्जाम में क्वालिफाई करेगा लगभग 1 लाख, ठीक है। तो घबराने का कोई बात नहीं, ये जो 20 लाख एग्जाम देगा तो 20 लाख में से हार्डली 4-5 लाख लोग अच्छे से पढ़ के आ रहा है, बाकी लोग तो ऐसे ही टाइम पास करने आ रहा है, या तो एग्जाम देना है, क्वालिफिकेशन है तो एग्जाम दे रहा है, ऐसा है बहुत लोग। तो इसीलिए घबराने का कोई बात नहीं, आप अगर सही में स्टडी कर रहे हो, अच्छे से स्टडी कर रहे हो, तो आपको घबराने का कोई जगह नहीं है। अगर आप ALP वाला CBT 1 क्वालिफाई कर गए हो तो RRB JEE वाला CBT 1 क्वालिफाई करने में उतना मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा बहुत और मेहनत करना पड़ेगा तो इसमें हो जाएगा। तो चलिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो आपको अगर देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को, तब तक के लिए चलिए बाय बाय।